मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बट इन मोनोकॉट्स. यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन डायकोट्स एंड नाउ वी आर टॉकिंग इन मोनोकॉट्स. सेम, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है. जायगोट डिवाइड्स, ऑब्वियसली ट्रांसवर्स डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद में तीन सेल को फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स थ्री सेल्स. थ्री सेल्स को इस प्रकार से फॉर्म करता है. सपोज दैट देयर इज अ सिंगल सेल, राइट. इसमें डिवीजन हो गया है, इसे दो सेल बन गई है, राइट. अब क्या होता है, दो सेल में से केवल एक सेल डिवाइड करती है. एक अगर डिवाइड करेगी तो टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी, तीन सेल बन जाएंगी. सेम यहाँ पे भी ऐसे डिवीजन हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, और एक जायगोट से कितनी सेल बन रही है, तीन सेल बन रही है. जिसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली सेल है, दैट इज टर्मिनल सेल. ऊपर वाली को बोलते हैं टर्मिनल सेल, और सबसे नीचे वाली को बोलते हैं बेसल सेल, और बीच वाली को बोलते हैं मिडिल सेल. बीच के अंदर जो सेल है, दैट इज नोन एज मिडिल सेल, राइट. इसके बाद में तीन सेल्स फॉर्म हो चुकी है. तीन सेल्स फॉर्म होने के बाद में ये सेल्स जो है ये रैपिडली डिवाइड करती है. कंटिन्यूसली इनके अंदर भी डिविजन्स होते रहते हैं. इनके अंदर डिविजन्स होने के बाद में क्या होता है, जो टर्मिनल सेल है इज डिवाइडिंग रैपिडली, एंड आफ्टर डिवीजन इट फॉर्म्स कॉटिलेडन. इसको फॉर्म करती है, ये कॉटिलेडन को फॉर्म करती है. एंड बेसल्स, ये मिडिल सेल जो है, इट ऑल्सो डिवाइड्स रैपिडली. रैपिडली डिवाइड होने के बाद में इट फॉर्म्स प्ल्यूमोल. प्ल्यूमोल इन द सेंस वी कैन से पॉलियोप्टाइल. प्ल्यूमोल को क्या बोलते हैं, पॉलियोप्टाइल बोलते हैं. पॉलियोप्टाइल को फॉर्म करती है, ऑलराइट. It forms epidermis, it forms embryonal axis, it forms hypophysis, it forms radical, radical in the sense coleorrhiza, radical in the sense coleorrhiza. Right? And it forms suspensor. ये सारी structures किससे form होती हैं? Middle cells से form होती हैं. Basal cell का ज़्यादा कुछ role होता है नहीं है. बेसल सेल केवल न्यूट्रिशन के अंदर काम में आती है, अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ बेसल सेल. सो जायगोट डिवाइडिंग इनटू थ्री सेल्स, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, मिडिल सेल. मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज फॉर्म बाय मिडिल सेल. ज्यादातर पोर्शन किससे फॉर्म हो रहा है, मिडिल सेल से फॉर्म हो रहा है. टर्मिनल सेल तो केवल किसको फॉर्म कर रही है, कॉटिलेडन्स को फॉर्म कर रही है. देन इसके बाद में क्या होता है कि अभी जो मिडिल सेल है, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है. ध्यान रखना, डायकोट्स के अंदर तो अपन बोलते हैं प्ल्यूमोल और रेडिकल, और मोनोकोट में क्या बोलते हैं, मोनोकोट के अंदर दिस इज रिप्लेस्ड. मोनोकोट के अंदर तो जो है प्ल्यूमोल को अपन बोलते हैं पॉलियोप्टाइल, और रेडिकल को बोलते हैं पोलियोराइजा. पोलियोप्टाइल फॉर्म करता है स्टेम को, और पोलियोराइजा फॉर्म करता है रूट को. इसके अलावा वो बेसिक स्ट्रक्चर है पोलियोप्टाइल, जिस नीचे पाया जाता है एपिकोटाइल, देन बीच में पाया जाता है एम्ब्रियोनल नोड. एम्ब्रियोनल नोड के जस्ट नीचे पाया जाता है हाइपोकोटाइल, राइट. एंड दैट दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस. होल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं. सेम वैसे इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड दिस इज कॉलियोप्टाइल, दिस इज कॉलियोराइजा, एंड दिस इज कॉटिलेडन. कॉटिलेडन इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. कॉटिलेडन जो है हमेशा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है. That is all. इसके बाद में इसकी शेप चेंज हो जाती है. अंदर जो है इसके अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराता है, राइट. बाहर एक प्रोटीनियस लेयर होती है, दैट प्रोटीनियस लेयर इज एलुरोन लेयर, राइट. आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर मैंने सीड की स्ट्रक्चर बताई थी आपको, मोनोकोट और डायकोट सीड की स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे आपको बताया गया था एलुरोन लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि सीड को चारों तरफ से सराउंड करके रखती है. सो दैट इज मोनोकोट, राइट. सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन मोनोकोट. जायगोट डिवाइडिंग इनटू थ्री सेल्स, देन थ्री सेल्स आर डिवाइडिंग रैपिडली. रैपिडली डिविजन्स के बाद में कुछ ये स्ट्रक्चर बनती है, इसमें सारी स्ट्रक्चर्स शो हो रही है. कॉटिलेडन का नंबर कितना होता है, 1. इसके अंदर केवल एक कॉटिलेडन पाया जाता है. मोनोकोट के अंदर जो प्ल्यूमोल है उसको पॉलियोप्टाइल बोलते हैं, रेटिकल है जो पॉलियोराइजा बोलते हैं. बाकी की सारी स्ट्रक्चर सेम होती है. एलुरोन लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, चारों तरफ से सराउंड करके रखती है. अंदर स्टार्च पाया जाता है, दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल. दैट इज ऑल अबाउट
डेवलपमेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन मोनोपोल. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन मोनोपोल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सून योर ऑफलाइन क्लासेस आर गोइंग टू बी हेल्ड. थैंक यू फॉर योर टॉक.